हेलो एवरीवन, एक और पैराग्राफ देखते हैं गाइस। देखिए, ये लिखा है कि रवि एक अच्छा लड़का है। छोटा सा सेंटेंस है, बनाते हैं। कैसे बोलेंगे? रवि रवि इज अ गुड बॉय। तो सिंपल है, रवि एक अच्छा लड़का है। वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है, ये भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। ही इज एजुकेटेड, इज एजुकेटेड, ठीक। वो 15 साल से शादीशुदा है, ये भी आपका स्टेट ऑफ बींग है। इसके अंदर आप टाइम वाला है तो सिंस फॉर आता है इसके अंदर। तो वो 15 साल से शादीशुदा है, तो ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 15 ईयर्स। ओके, अब है उसकी एक बेटी है जो बहुत प्यारी है। उसकी एक बेटी, कैसे होगा? शी हैज़ अ डॉटर। अब जो बहुत प्यारी है, ये जो बहुत प्यारी है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाइए। हु इज़ बहुत प्यारी, मतलब सो क्यूट, सो स्वीट, एडोरेबल। हु इज़ सो एडोरेबल, कह लो ऐसे बोल सकते। शी हैज़ अ डॉटर हु इज़ सो एडोरेबल। ओके, चलिए। उसके माँ बाप विलेज में रहते हैं, कैसे होगा? उसके माँ बाप, हिज पेरेंट्स लिव इन द विलेज, इन द विलेज। रवि अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली में रहता है, कैसे होगा? रवि लिव्स इन दिल्ली, रवि लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है, ठीक है। अपनी पत्नी और बेटी के साथ, विद हिज वाइफ एंड, हिज वाइफ एंड डॉटर। रवि लिव्स इन दिल्ली विद हिज वाइफ एंड डॉटर। हो गया, यहाँ तक सही रहता है। रवि की एक बुरी आदत, अब रवि की एक बुरी आदत है, इसे कैसे बोलेंगे? ऐसे बोल सकते हैं कि रवि हैज, देखो बुरी आदत को हम बैड हैबिट कह सकते हैं, बट यहाँ आदत बोलने का मेरा मकसद है कि उसका एक उसका नेचर है, एक उसके अंदर एक उसका लक्षण ऐसा है बैड। तो हैबिट तो कहना ठीक नहीं होगा। रवि हैज़ अ बैड, एक एक वर्ड आप गूगल पर सर्च करना जरा। ट्रेट, ट्रेट आपको पता है, ट्रेट ट्रेट होता है अंदर, वो एक लक्षण होता है, ट्रेट। रवि हैज़ अ बैड ट्रेट। ओके, वो इनसिक्योर है, कैसे होगा? वो इनसिक्योर है, इज इनसिक्योर। उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है, उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है, उसे ऐसा लगता है। ही थिंक्स दैट, अब उसमें कोई कमी है कैसे बोलेंगे? मतलब पोजीशन को भी दिखा सकता है। ही थिंक्स दैट ही हैज अ डिमेरिट, ये स्पेलिंग देख लीजिए। He thinks that he has a demerit, या he thinks that he is bereft of something, मतलब किसी चीज से वंचित है, deprived है। deprived भी कह सकते हैं, deprived of something, ऐसे भी हो सकता है ना। आगे है, उसे लगता है कि उसकी पत्नी को कोई भी उससे कोई भी उससे ज़्यादा हैंडसम लड़का अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। उसे लगता है मतलब ही थिंक्स दैट उसे लगता है कि उसकी पत्नी को कोई भी, तो एनी बॉडी कोई भी लड़का, एनी बॉय मोर हैंडसम देन हिम, वैसे तो दैन लगता है तो फिर ही का सहारा लेना पड़ता है, बट ऐसे चलता है। तो ही थिंक दैट एनी बॉय मोर हैंडसम देन हिम कैन अट्रैक्ट हिज वाइफ। कर लेगा मतलब ऐसा नहीं कि विल ही लगा दो, कर सकता है, चांस है, कैन अट्रैक्ट, माइट अट्रैक्ट, मे अट्रैक्ट।
वो खुद को स्मार्ट बनाना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाता है। कैसे होगा? वो खुद को स्मार्ट बनाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ स्मार्ट बट, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण बट ड्यू टू बीइंग सैडल्ड सैडल्ड विथ, सैडल का मतलब बोझ है आपके ऊपर, ड्यू टू बीइंग सैडल्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हो गया कि जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण इसका हो गया ड्यू टू बीइंग सैडल्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के कारण वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाता है। ही इज अनएबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, खुद का केयर नहीं कर पाता है। चलो, उसकी वाइफ सुंदर है, उसकी वाइफ सुंदर है, कैसे होगा? हिज वाइफ इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। उसका अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ा होता है क्योंकि शादी से पहले उसकी पत्नी का किसी लड़के पर क्रश था। छोटा छोटा करते हैं। उसका अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ा होता है, पहले ये लेते हैं। तो कैसे हो सकता है? झगड़ा होता है मीन्स अक्सर होता है। ही ऑफन हैज़ अ टिफ मतलब झगड़ा होता है, हैज़ अ टिफ विद हिज वाइफ, मतलब मैंने थोड़े एडवांस कर दिया। आप चाहो तो ऐसे बोल दो कि ही ऑफन क्वारल्स विद हिज वाइफ, है ना, झगड़ा होता है क्योंकि। अब क्योंकि को उठाते हैं। क्रश था, यहां तक लिखते हैं। क्योंकि शादी से पहले उसकी पत्नी का किसी लड़के पर क्रश था। बिकॉज बिकॉज बिफोर मैरिज, शादी से पहले हिज वाइफ हैड अ क्रश ऑन, ऑन लगा सकते हैं, क्रश ऑन अ बॉय, क्रश ऑन अ बॉय, क्रश था, हो गया। और वो उस लड़के को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यहां तक आते हैं। अब कैसे होगा? और वो एंड शी हैड मान चुकी थी, मन ही मन पति मान चुकी थी। शी हैड देखो, मानने को तो कंसीडर भी कहते हैं, आप लगा सकते हो। शी हैज कंसीडर्ड हिम टू बी शी हैड कंसीडर्ड हिम टू बी हर हस्बैंड। लास्ट में एक एडवर्ब लगा दो, इनवर्डली, इनवर्डली मतलब मन ही मन मान चुकी थी। शी हैड कंसीडर्ड हिम टू बी हर हस्बैंड इनवर्डली। अब है, लेकिन उस लड़के को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उस लड़के को इस बारे में पता नहीं था। बट दैट बॉय डिडेंट नो अबाउट इट, पता नहीं। एक दिन वो लड़का कहीं चला गया और इस तरह उसकी पत्नी का क्रश चूर चूर हो गया। एक दिन वो लड़का कहीं चला गया। वन डे दैट बॉय वेंट समवेयर। ओके, एक मिनट गाइस, देयर इज वन मैसेज। वन डे दैट बॉय वेंट समवेयर, एक दिन वो कहीं चला गया और इस तरह उसकी पत्नी का क्रश चूर चूर हो गया। एंड बाय दिस वे द क्रश ऑफ हिज वाइफ चूर चूर हो गया, मतलब शैटर्ड, शैटर्ड हो गया, मान गया। चल, शादी के समय उसकी पत्नी ने रवि से अपने क्रश के बारे में सब कुछ बता दिया था।
तब से रवि उसे ताने दे रहा है। ओके, शादी के समय, एट द टाइम ऑफ मैरिज। उसकी पत्नी ने रवि से अपने क्रश के बारे में सब कुछ बता दिया था। हिज वाइफ हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट हर क्रश। यहाँ एट द टाइम ऑफ मैरिज हिज वाइफ हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट हर क्रश। दोनों, अच्छा अभी है ना, बता दिया था। तब से रवि उसे ताने दे रहा है, तब से, since then रवि has been taunting her। तो हम since then बोलते हैं तो आपको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है रवि has been प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों के पसंद नापसंद एकदम अलग हैं, तो दोनों के पसंद नापसंद एकदम अलग है। द लाइकनेस एंड डिस लाइकनेस ऑफ लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस ऑफ बोथ ऑफ देम द लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस ऑफ बोथ ऑफ देम एकदम अलग है, आर अपोजिट, एकदम अलग है। देखो अपोजिट भी कह सकते हैं, दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो आर एकदम अलग है ना, आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर, इस तरीके से। दोनों सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ, बोथ ऑफ देम आर बोथ ऑफ देम आर सिर्फ नाम के, कैसे होगा सोचिए, बोथ ऑफ देम दोनों सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ, सिर्फ नाम के, सोचिए दिमाग लगाइए, दोनों सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ है, बोथ ऑफ देम आर, ऐसे भी कह सकते हैं बोथ ऑफ देम आर लाइक, एक तो कह सकते सो कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब बस सो कॉल्ड है, बस है हस्बैंड वाइफ, कुछ है नहीं। या कह सकते हो बोथ ऑफ देम आर हस्बैंड एंड वाइफ ओनली इन नेम मतलब बस नाम के लिए है, या बोथ ऑफ देम आर लेबल्ड, होता है लेबल लगा हुआ है, लेबल्ड एज लेबल्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब कि बोथ ऑफ देम आर जस्ट, यहाँ जस्ट अगर लगा दो, बोथ ऑफ देम आर जस्ट लेबल्ड एज हस्बैंड, बस सिर्फ हस्बैंड वाइफ का एक लेबल लगा हुआ है। ये इन नेम वाला अच्छा है, ये यूज कर लो। यानी तो आम जिंदगी मतलब नॉर्मल इंग्लिश कैसे बोलोगे, बोथ हम देम आर हस्बैंड एंड वाइफ फॉर नेम ओनली बट हैव नो लव, उनके पास मतलब प्यार नहीं एक दूसरे के लिए, फॉर इच अदर, उन दोनों के बीच सिर्फ नफरत है, उन दोनों के बीच सिर्फ नफरत, कैसे होगा, देयर इज नथिंग बट नफरत, हेट्रेड अबहोरेंस,
एबहोरेंस स्पेल बिटवीन देम। दोनों एक दूसरे से तलाक इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी एक पेरेंट के प्यार की मोहताज हो जाए। दोनों एक दूसरे से तलाक इसलिए नहीं लेते हैं। बोथ ऑफ देम डोंट गो फॉर टेक डाइवोर्स भी कह सकते हैं। बोथ ऑफ देम डोंट टेक डाइवोर्स, डोंट टेक, या ऐसे भी कह रहे हो टेक क्या छोड़ो, ये तो हिंदी की तरह हो गया। बोथ ऑफ देम डोंट डाइवोर्स, सीधा इसको वर्ब बनाओ। बोथ ऑफ देम डोंट डाइवोर्स ईच अदर, ईच अदर नहीं डाइवोर्स देते ईच अदर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी एक पेरेंट के प्यार की मोहताज हो जाए। बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देयर डॉटर टू बी bereft of the love, bereft of the love from either of the parents। बना बोथ ऑफ देम डोंट डाइवोर्स ईच अदर बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देयर डॉटर टू बी बिरेफ्ट ऑफ द लव फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट। या मैंने फ्रॉम लगा दिया है क्योंकि लव आएगा तो कहीं से आएगा ना, इसलिए मैंने फ्रॉम सोर्स के लिए लगाया, ऑफ नहीं लगाया। ईदर ऑफ द पेरेंट्स मतलब दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के प्यार से कहीं मोहताज ना हो जाए, बिरेफ्ट ना हो जाए। इसलिए आखिर क्या होगा राहुल का, आखिर आफ्टर ऑल क्या होगा राहुल का। क्या होगा राहुल का मतलब क्या, एक तो नॉर्मल इंग्लिश हो सकती है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू राहुल, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू राहुल, एक तो नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो। या व्हाट इज राहुल डेस्टिन्ड फॉर, व्हाट इज राहुल डेस्टिन्ड फॉर, उसका डेस्टिनेशन क्या, उसकी डेस्टिनी क्या, सॉरी डेस्टिनी क्या है, डेस्टिन्ड फॉर बन सकता है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।